म्यूजिक सेंटर सौरभ भैया, अगर मेरी आवाज सुने हो तो शीघ्रता से यहां पर आए। बहुत पुराना गीत है, मेरे परम आदरणीय गुरु रामवीर जी के द्वारा लिखा गया, और मैं केवल आपके चैनल और आपकी वजह से इस गीत को मिला रहा हूं। और नया भी है, आज तक सुना भी नहीं होगा। सौरभ भैया निवेदन करूंगा कि यहां पर आ जाए दो मिनट के लिए। और फिल्मी दूर क्या कह रही है, बहुत ही कम कहा किसी ने, नई योजना पुरानी योजना। और एक एक लाइन पर गौर करना मुकेश भैया, तुम्हारे घर के नाम मालूम ना, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि बहमती में भी अच्छे गाने वाले हैं, अच्छे लिखने वाले। याद है एक लड़का है विवेक, प्रवीण के साथ ही चलता है, बहुत अच्छा गाता है लड़का। अगर उसका मार्गदर्शक कोई हो तो आज बहमती में नहीं अपने तो पूरे क्षेत्र में नाम कर देगा। और मंडल है बहमती का, अच्छा मंडल है, कई बार मेरे यहां भी गया है भैया में। प्रवीण भाई भी अच्छे गाते, हमारे काकाजी भी गाते हैं। कहने का मतलब नजरअंदाज मत करना, ज्यादा नहीं तो कोशिश जरूर करना, क्योंकि जवाब तो मुश्किल बात होती है। जवाब तो आजकल कोई किसी का देता ही नहीं है, लेकिन कोशिश करना। फिर क्या करेंगे, मुझे अपने दिल में उतरने न देना, मैं खुशबू हुई से की बिखर दे न देना। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो पूरी जिंदगी का। ये आखिर तेरा हो जाए भी, जिस दिन बुलाऊं तेरा प्यार दिल से, वो आखिरी हो मेरी जिंदगी का। जिस दिन बुलाऊं तेरा प्यार दिल से, वो आखिरी हो मेरी जिंदगी का। सुरेश भैया एक बहुत ही छोटा शब्द है व्याकरण में, काकाजी बहुत छोटा शब्द है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं चैलेंज और हिंदी में कहते हैं चुनौती, ऐलान। आजकल थोड़ा बाजा बजाना सीख जाए कोई भी बड़ी जल्दी कह देता चैलेंज, ऐलान, चुनौती। देखा चैलेंज है, अरे चैलेंज तो रावण का भी नहीं रहा है मेरी जान, ऐलान तो उसने भी दिया था। हाँ, एक होता है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ, जो कि जरूरी है। चैलेंज किसी को नहीं करना चाहिए कभी, न जाने कब वक्त पलटी खा जाए। आज पर चैलेंज जरूर देते हैं, लेकिन मेरी मैं चैलेंज नहीं, केवल एक आस है, एक उम्मीद कहूंगा आपसे मुकेश भाई के, इस पर एक लाइन जरूर लेकर के आओगे, क्योंकि श्रोताएं विद्वानों की भूमि है, या सत्संग भी होते हैं आसपास। उम्मीद और बहुत बड़ी कथा भी हो चुकी है बड़े गांव में और पिंजरी में, अच्छी से अच्छी, तो लाइन जरूर लाना, क्योंकि मेरी उम्मीद है, मेरा कोई चैलेंज नहीं है। तो चैलेंज तो हमारे विष्णु ब्रजवासी के मन लगे। जय जय। अब मैं काम इतना बड़ा, अब सुने जिस मन में हो काम और कोट माधव, न जिस मन में हो काम कोट और माधव, वो मन को बनाने में वो मन कौन सा है। ये एक एक शब्द ध्यान से सुनते हो सुरेश भैया, आप गुरु समान हो, ध्यान करना। वो मन को मनाने में मन कौन सा है, जो
पुनः निवेदन करूंगा कि इस गीत को सुनने के लिए जरूर आए। पहली बात है मेरी कि वो मन को मनाने में मन कौन सा है, और जो देता किसी को पर न दे किसी को, वो धन के खजाने में धन कौन सा, देना तो चाहता है पर दे नहीं पाता है, तो ऐसा कौन सा धन है। और तीसरी बात, देता और दाता के ये सिलसिले रघुबर से एक दिन सुदामा मिले, रघुबर से एक दिन सुदामा मिले, रघुबर से एक दिन सुदामा मिले। ये भी छोड़ रहा हूं तुम्हारे लिए, मैं ये नहीं पूछूंगा कि वो कौन सा समय है जब रघुवर से सुदामा मिली, इसे मत बताना, ये छूट है, ऑफर है तुम्हारे लिए। सुदामा मिले थे रघुवर से एक दिन सुदामा मिले, पूछना क्या केवल मेरा, जिस दिन मिले थे सुदामा से रघुवर, जिस दिन मिले थे सुदामा से रघुवर, सहायक मिलाने में वो वन कौन सा है। धन मन और मन, अगली बात, किसन यमुना जल लड़े चोर जाते, काली के फल से वो कन्हैया जुआते, काली के फल से वो कन्हैया जुआते, काली के फल से वो कन्हैया जुआते। अरे भाई साहब, काली के फल पर वो कन्हैया जुआते, अब कहना क्या है, जिस फल पे नाची थी वो राधा रानी, अब जो मत कह दिया बंसी पे नाची, नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा, ए आजा आजा, बंसी पर नहीं, मैंने कहा कि काली के फन पर कन्हैया जी नाचे, जिस फन पर नाची थी वो राधा रानी, उनको नचाने में फन कौन सा है। अच्छा हाथ उठा के बताओ, बात समझ में आ रही है क्या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए, क्योंकि कानपुर की साइड में कहा जाता है, सभी को मेरा दादा लोगों को धन्यवाद, और सदा आभारी हूँ क्योंकि पहली बार आया हूँ। 400 से 4000 से मतलब नहीं है, चार व्यक्ति होने के हो श्रोता, श्रोता या श्रोता नहीं, वास्तव में ही सुनने वाले हैं, मेरी तरफ से बार बार आभार है, धन्यवाद है। और कहना क्या सुरेश भैया, धन पूछा वो कौन सा है, और अगली बात, ईर्ष्या तृष्णा हमने बचा ली है मन, ईर्ष्या तृष्णा हमने बचा ली है मन, लगा है कोई ना कोई रोग अपने तन में, लगा है कोई ना कोई रोग अपने तन में, लगा है कोई ना कोई रोग अपने तन में, जिस तन को कोई रोग नहीं व्यापा। अलीगढ़ वाले भैया पहला नंबर गा रहा हूं, और पहला नंबर कहने का मतलब नींव जमाना बड़ा मुश्किल काम होता है कि पब्लिक को बांधना पहले नंबर पर, दूसरा बार तो पीछे चलता है, खेत में अगर रास्ता पड़ जाए तो पहले ही आपत्ति आवे, दूसरे तो पार जा गए हो, तो कहना क्या, जिस तन को नहीं रोका वो अग्नि तपाने में तन कौन सा है। अब अंतिम लाइन मेरी तरफ से, और अंतिम गीत और अंतिम छर कहना क्या, ये बचपन जवानी हो,
बिल्कुल सीधा गा रहा हूं, कोई मतलब नहीं है छेड़खानी करने से धुन को, और गाना भी चाहिए जैसी धुन बनाई है बॉलीवुड वालों ने वैसी। अगर ऐसे ही हम और तुम गवैया होते तो मैं होता हमारा नंबर, छेड़ने से कोई फायदा नहीं है, और छेड़ना तो अलग ही होता है फिर है। जिस दर पे सो रामीर लाला करे खोज पलकी, रामीर लाला करे खोज पलकी, बिगड़ी बनाने में वो पन को आशीर्वाद आया है प्रवीण भाई और विवेक भाई की तरफ से शर्मा मंडल बहमती से। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा मेरे लिए नहीं, जो कि आपके गांव का नाम रोशन कर रहे हैं कहीं ना कहीं प्रवीण और बहमती के हमारे विवेक भाई, क्योंकि मैं जानता भी नहीं था, अगर इनकी और मेरी मुलाकात हुई तो कार्यक्रम में हुई। बहमती मुझसे ज्यादा दूर नहीं है, मात्र 9-10 किलोमीटर है, लेकिन मैं नहीं जानता था कहां है और कौन सा गांव है, लेकिन इनकी बदौलत आज गांव को बहुत बहुत दूर तक जानते हैं। एक बार हाथ उठा के तालियां चाहूंगा इनके लिए। अब कहना क्या, जिस मन में और तो माधव वो मन को मनाने में मन को और 20 रुपए जीतू गाना कबड्डर है। देखिए हमारे गांव में जितने भी लोग खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, किसी भी खेल में हो या किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेते हो, या वो गायक हो या वो मल्ल पहलवान हो, चाहे कबड्डर हो चाहे क्रिकेटर हो, ये हमारे गांव और क्षेत्र का नाम रोशन करने वाले होते हैं हमेशा। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा इनके लिए भी, जीतू राणा जी के लिए भी। और राधे 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 राधे